Now, I want to just give you a brief about which films have been shot in Gulmarg. It's a potential site. Unfortunately, we cannot visit it today because of the snow depth there. Roads are not clear during the winter. मैं जाता नहीं हूँ, so but सर को चाह रहा हूँ कि सर गाए और अच्छा लगेगा तो वाइब बने. It's all about Bollywood, sir. ये जवानी है दीवानी. Also shot here. Then आरजू. राजेंद्र कुमार जी की फिल्म थी. शायद वो सीकेर हैं इसमें. तो उन्होंने भी जो इसकी शूटिंग है वो सारी यहाँ गुलमर्ग में हुई थी उस साइड. एंड आफ्टर दैट द हट वेयर दिस सॉन्ग वाज शॉट इट इज नोन एज द बॉबी हट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू जेएनके गवर्नमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल सेमिनार और हम सब लोगों को यहाँ बुलाने के लिए और इतनी अच्छी मतलब जन्नत दिखाने के लिए. आई एम रियली थैंकफुल टू द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अभिजीत पाटिल. आई सपोज वी मस्ट क्लैप फॉर अभिजीत बिकॉज अभिजीत ने ये सब ऑर्गेनाइज किया है. आई एम नॉट ओनली हियर इन मुंबई ऑल्सो ही कीप्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग. एंड सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अभिजीत जी के जो फादर हैं मतलब अब नहीं है बट यहाँ कश्मीर में जो टूरिज्म सबसे पहले महाराष्ट्र में डेवलप किया गया वो थे राजा पाटिल साहब. सो कश्मीर इज अ ग्रेट प्लेस फॉर बिजनेस एंड कश्मीर इज अ ग्रेट प्लेस फॉर फिल्म प्रोडक्शन. I think Kashmir has always been known to us from Bollywood. Whether it's Shammi Ji's songs or Shashi Kapoor's song, Kabhi Kabhi, and the beautiful one he sang just now. I think, but somewhere, you know, somewhere we, maybe the young breed of filmmakers has lost its touch with this beautiful place on earth. And I think that's the whole purpose of this visit. And I hope it leads to something. But anyway, thanks for all your warm hospitality. It means a lot to us. Thank you so much. कश्मीर और गुलमर्ग की खूबसूरती के बारे में किसको कुछ दो राय तो है ही नहीं. पहले से फिल्में यहाँ पे बनी जा रही है बट क्या प्रोड्यूसर को अल्टीमेटली कमर्शियल देखना पड़ता है. आप जानते हैं बहुत कम फिल्में चलती है बनाने को महंगी होती है तो फिर वो देखना पड़ेगा कि कमर्शियली कितना बैठता है. तो इसलिए ये इस विजिट का मकसद ये भी है कि सबके साथ बैठा जाए कि कुछ पॉलिसी हो जहाँ जो अट्रैक्ट करे फिल्म मेकर्स को आने के लिए क्योंकि ब्यूटी तो यहाँ पे ऐसी ब्यूटी किधर मिलेगी नहीं. तो कश्मीर में बहुत सारे सालों से हमने कभी एड शूट नहीं की है तो अब जो ये सब नज़ारा देख लिया तो आई एम श्योर कि हम लोग जो जो हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं तो यहाँ पर आके एड्स भी शूट करेंगे. और दूसरा लॉकडाउन होने के पहले मैं एक तेलुगु फिल्म में हमारी शूटिंग होने वाली थी यहाँ पे तो वो लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हो गई. तो मेरे ख्याल से अभी मार्च या अप्रैल में वो लोग भी यहाँ पे आएंगे तेलुगु फिल्म करने. तो होता यह है कि हम लोग जो सोचते हैं कि बॉलीवुड इज़ ओनली फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें तेलुगु तमिल मलयालम ये बहुत सारी फिल्में आती है कन्नड़. तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग फिल्म इंडस्ट्री. हमें खुशी है कि हमें दोस्त से कश्मीर से नवाजा गया है और ये सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स हमारे दोस्त इनको हम यहाँ लेके आए हैं कि इंशाल्लाह यहाँ की जो एक पूरा माहौल फॉर सिनेमेटोग्राफी और फिल्म शूटिंग के लिए है वो इनसे वाकिफ कराएं. जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हैं या सिक्योरिटी इश्यूज़ है ये इनके मन से निकाल दें. तो जो दो दिन हम इनके साथ घूम रहे हैं दे हैव एंजॉयड इट सो मच बिकॉज योर नेचुरल ब्यूटी और आपकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो ज़रूर काबिले तारीफ है. बट नो थैंक यू वेरी मच रियली अप्रिशिएट. मैं यहाँ पे यहाँ का खाना उसको खाने के लिए उसको बताने के लिए उसे बनाने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आया हूँ एंड दैट आई कैन प्रॉमिस आई विल डू इन अ बिग वे. थैंक यू. सिंपोजियम एंड सेमिनार एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली जन्नत ऑन अर्थ.
and everybody should visit and also promote the tourism of J&K. I had visited 2 years back also, but that was in summer. But it is in winter. It is a different place completely, and it's beautiful. It's awesome. It's just gorgeous. नहीं एक लेकिन perception तो है ये. ये तो fact है कि perception है और कोई बड़ा actor होगा तो उसको लाने में प्रोड्यूसर दो बार सोचेगा तो वही मेरे ख्याल से ऐसी जो विजिट्स होंगी ये हेल्प करेगी बताने को कि देखो यहाँ पे माहौल बिल्कुल अच्छे है पीसफुल है आप खुशी से यहाँ पे आइए शूट करेंगे जय कश्मीर।